बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। तबूते सकीना क्या था? एक ऐसा संदूक जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजल हुआ था। ये आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मिरास ये के बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक के ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और उनकी शान शौकत देखकर सहम जाते थे और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का जहूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्रु मिनल्लाही वल्फतहुन करीबुन की बशारत उज़्मा नाज़िल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसला की आवाज और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदावंदी के नजूल का नहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हो गए और उन लोगों में मुआसी तगयान और सरकशी असियान का दौर दौरा हो गया तो उनकी बदअमालियों की नहुसत से उन पर खुदा का यह गजब नाजल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके उनकी बस्तियों को उजाड़ डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और उस मुतबरक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस तबरक को नजासतों के कूड़े खाना में फेंक दिया, लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर ये वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हजूम में झंझोर दिए गए। चुनाचा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहाँ तक के उन काफरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफरों की आंखें खुल गई, चुनाचा उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हांक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचा संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उनकी मुकद्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन सलवा, उसके अलावा हजरत अनबिया अकराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। जब हजरत तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। रास्ते में हजरत तालूत ने अपने लश्कर से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर के साथ आजमाने वाला है। उस नहर का नाम नहर अल शरिया था
जो उर्दन और फलिस्तीन के दरमियान वाकया थी। हजरत तालूत ने अपने लश्कर को होशियार कर दिया कि कोई भी उस नहर का पानी ना पिए। हाँ, अगर किसी ने एक आध घूंट पी लिया तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन लश्कर जब उस नहर के करीब पहुंचा तो प्यास की शिद्दत से लश्कर के लोग नहर पर टूट पड़े और पेट भरकर पानी पी लिया। मगर उनमें कुछ लोग पुख्ता ईमान वाले भी थे जिन्होंने उस नहर का पानी नहीं पिया, और अगर पिया भी था तो एक आध घूंट। लेकिन जिन्होंने पेट भरकर पानी पिया था उनकी प्यास तो बुझ गई, लेकिन वो जंग करने के काबिल नहीं रहे। लश्कर की 80,000 की तादाद में से 76,000 लोगों ने पेट भरकर पानी पी लिया। उनकी नाफरमानी का ये असर हुआ कि उनकी हिम्मत कम हो गई और उन्होंने नहायत बुजदलानापन से जहाद से इनकार कर दिया, और दुश्मन की ज्यादती ने उन्हें खौफजदा कर दिया। कहने लगे कि हम जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। बाज मुफस्सरीन का कहना है कि पानी ना पीने वालों की तादाद 313 थी, जो असहाबे बदर की भी तादाद थी। जब ये लश्कर नहर पार कर गया तो तालूत और इसराइल के लोग जमा होकर एलिया की वादी में खैमाजन हुए। दोनों अफवाज आमने सामने पहाड़ों पर तैनात थी। जालूत के लश्कर को देखकर कौमे यहूद सहम गई। वो आपस में कहने लगे, आज तो हम में लड़ने की ताकत नहीं है। उनकी पस्ती देखकर उन 313 खुदा परस्तों ने कहा कि बाज औकात छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गलबा की कुदरत नहीं रखती। अल्लाह पर यकीन रखने वालों के इस जज्बा जहाद ने उनमें एक नई रूह फूंक दी, और जालूत और उसके लश्कर से बकायदा जंग होने से कबल उन्होंने रब करीम से दुआ मांगी, जो कुरानी अल्फाज में इस तरह है, ए परवरदिगार हमें सबर दे, साबत कदमी दे और कौमे कुफार पर हमारी मदद फरमा। जंग शुरू हुई तो जालूत सबसे पहले मुकाबले के लिए निकला और पहले ही हमले में मारा गया। जालूतियों को शिकस्त हुई और उन्होंने राह फरार इख्तियार की। तालूत और उसका लश्कर सरखरू हुआ।